हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू योर चैनल रियल कॉन्सेप्ट। आज हम लोग जानेंगे, जैसे आपको पता हमने वेक्टर स्टार्ट किया था, तो वेक्टर में पहला पार्ट बना दिया, आज वेक्टर का पार्ट सेकंड होगा। ठीक है, वेक्टर का पार्ट सेकंड होगा। पहले पार्ट में मैंने बताया था कि स्केलर क्वांटिटीज क्या होती हैं, वेक्टर क्वांटिटीज क्या होती हैं, और वेक्टर को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, हाउ टू रिप्रेजेंट अ वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, वेक्टर को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। आज जो सेकंड पार्ट है उसमें हम लोग डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ वेक्टर। क्या डिस्कस करेंगे? टाइप्स ऑफ वेक्टर। वेक्टर कितने प्रकार के होते हैं इसको बहुत अच्छे से समझने वाले हैं, क्योंकि यहाँ से भी आपके एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, तो जो हम लोग डिस्कस करेंगे, सबसे पहला देखेंगे इक्वल वेक्टर। इक्वल वेक्टर, देखो नाम से ही क्लियर हो रहा है, इक्वल वेक्टर। सपोज दैट हमारे पास कोई दो वेक्टर है, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। इसको हम इक्वल कब कहेंगे? जब दोनों का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन क्या हो, सेम हो। जब दोनों का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन क्या हो, सेम हो, तो हम कहेंगे ये इक्वल वेक्टर्स हैं। ठीक है, यानी क्या कहेंगे, इफ टू वेक्टर्स ए एंड बी हैव इक्वल मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन इज कॉल्ड इक्वल वेक्टर्स। यानी कि सपोज दैट हमारे पास कोई वेक्टर, सपोज वेलोसिटी वी वन है 10 मीटर पर सेकेंड ईस्ट में, समझिएगा, और बी टू क्या है, वेक्टर बी टू 10 मीटर पर सेकेंड, ये भी कहाँ है, ईस्ट में है। ठीक है, यानी ये दो वेक्टर क्या हुए, इक्वल हो गए। देखो मैग्नीट्यूड भी सेम दिख रहा है दोनों का, 10 10, डायरेक्शन भी ईस्ट और ईस्ट में है। ठीक है, यानी क्या है, ये दोनों दोनों इक्वल वेक्टर्स, यानी कह सकते हैं वी वन इज इक्वल टू वी टू। इक्वल वेक्टर्स क्या होते हैं, वेक्टर्स विच हैव सेम मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन इज नोन एज इक्वल वेक्टर। क्लियर हुआ? बहुत ज्यादा समझने वाली चीज नहीं है। इक्वल मतलब इक्वल, यानी मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन अगर दोनों का सेम है, यानी कि ये 10 मीटर पर सेकेंड ईस्ट में है, तो भी कितना हो, 10 मीटर पर सेकेंड ईस्ट में है, तो भी हम क्या कहेंगे इसको, इक्वल वेक्टर। यानी कि मैग्नीट्यूड भी सेम हो और डायरेक्शन भी सेम हो, अरे डायरेक्शन वेस्ट हो जाएगा तो इक्वल वेक्टर में नहीं आएगा, या फिर यही 10 से यहाँ पे 5 हो जाएगा तो इक्वल वेक्टर में नहीं आएंगे। मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों सेम होना चाहिए, तो हम कहेंगे हाँ दोनों अन इक्वल वेक्टर या फिर अपोजिट वेक्टर, अन इक्वल वेक्टर। मतलब देखो वहां पे समझना, इक्वल मतलब इक्वल, मैग्नीट्यूड डायरेक्शन सेम हो, बट यहाँ पे दोनों में से कोई एक और सेम नहीं है, फिर मैग्नीट्यूड सेम नहीं या फिर डायरेक्शन सेम नहीं है, तो क्या कहेंगे, अन इक्वल वेक्टर। जैसे कि मैंने बताया था, जैसे वी वन दिया था 10 मीटर पर सेकेंड ईस्ट, समझिएगा, बहुत ज्यादा समझने की जरूरत नहीं, बस देखिए। अब v2 मान लो दिया हुआ है सेकेंड वेक्टर 10 मीटर पर सेकेंड वेस्ट, आप बताओ ये डायरेक्शन दोनों का अलग अलग हो गया, तो क्या इक्वल वेक्टर्स हैं? नहीं भाई, ये इक्वल वेक्टर्स नहीं है। यानी कि ये कहाँ जा रहा है, v1 10 मीटर ईस्ट, यानी 10 मीटर पर सेकेंड वाला ये है, और वेस्ट एक जा रहा है, यानी कि इधर जा रहा है 10 मीटर में, यानी कि दोनों का क्या है, मैग्नीट्यूड तो सेम है बट डायरेक्शन क्या अलग अलग है, तो हम क्या कहेंगे, ये अनइक्वल वेक्टर से क्या है, अनइक्वल या फिर अपोजिट वेक्टर है। क्लियर हुआ? ये छोटी छोटी चीजें आपको समझना है, हम कह सकते हैं ये वी वन नॉट इक्वल टू वी टू, यानी इक्वल वेक्टर नहीं है, या तो मैग्नीट्यूड भी सेम ना हो या फिर डायरेक्शन सेम ना हो, या फिर दोनों सेम ना हो, तो क्या कहेंगे, अनइक्वल वेक्टर है। तीसरा जान लो, बहुत छोटी छोटी चीजें हैं, बहुत ज्यादा समझने की जरूरत नहीं है, पैरेलल वेक्टर। मैं छोटे छोटे पार्ट में बना रहा हूँ वीडियो, ताकि आपको कोई दिक्कत नहीं है, ताकि आपको कोई दिक्कत नहीं, पहला पार्ट नहीं देखे जाकर के देखिए, पूरा बेसिक मैंने बताया उसमें। ठीक है, अभी सेकेंड पार्ट है, थर्ड पार्ट बनेगा, फोर्थ पार्ट बनेगा, छोटे छोटे क्लिप में आपको दूंगा, ताकि आपको कोई दिक्कत आपको कहीं से नहीं आए। ठीक है, देखो पैरेलल का मतलब समझना है, यहाँ पे बहुत अच्छी चीज समझने वाली, यानी वेक्टर्स आर इन सेम डायरेक्शन, वेक्टर्स आर इन सेम डायरेक्शन इज नोन एज पैरेलल वेक्टर्स। देखो यहाँ पे मैग्नीट्यूड से हमें कोई लेना देना नहीं है, केवल डायरेक्शन। मान लो कोई वेक्टर ये है यहाँ पे, कोई वेक्टर यहाँ पे ये है, कोई ये है तो कोई ये है, यानी सबके सब क्या है, भले मैग्नीट्यूड इसका कम है, इसका भी इसका अपेक्षा सबका कम मैग्नीट्यूड कम है, इन दोनों का अपेक्षा इसका मैग्नीट्यूड कम है, लेकिन आप ये चीज समझना कि मैग्नीट्यूड हमारा डिपेंडेंट नहीं है। ये जो पैरेलल वेक्टर मतलब क्या, सेम डायरेक्शन में होना चाहिए, बस क्या होना चाहिए, सेम डायरेक्शन में होना चाहिए, सेम डायरेक्शन में होना चाहिए। यानी देखो ये इसे क्या बोलेंगे, हम पैरेलल वेक्टर बोलेंगे, क्या बोलेंगे,
पैरेलल वेक्टर, एक दूसरे क्या है ये पैरेलल वेक्टर, पैरेलल है, इसे हम क्या बोलेंगे पैरेलल वेक्टर बोलेंगे। मैग्नीट्यूड से कोई मतलब नहीं, बस सेम डायरेक्शन में होना चाहिए। जैसे कि दोनों के बीच का एंगल देखो तो क्या हो जाएगा, एंगल बिटवीन टू वेक्टर, क्या हो जाएगा एंगल बिटवीन टू वेक्टर क्या हो जाएगा यहाँ पे, यानी थीटा यहाँ पे जीरो हो जाएगा, यानी दो पैरेलल वेक्टर के बीच में एंगल कितना हो जाएगा थीटा हो जाएगा। ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, यानी थीटा इज इक्वल टू जीरो। अब चौथा चीज समझते हैं, एंटी पैरेलल, क्या समझ में आ रहा है, बहुत ज्यादा रटने की जरूरत नहीं, बस समझ लो। तो आप जो फोर्थ वाला है एंटी पैरेलल, नाम से देखो क्लियर हो रहा है, वहां पैरेलल था, यहाँ क्या है एंटी पैरेलल है, यहाँ पे क्या है एंटी पैरेलल है, यानी कि जैसे एक वेक्टर यहां पर है और एक वेक्टर इस डायरेक्शन में है, यानी दोनों का डायरेक्शन क्या हो एक दूसरे के अपोजिट हो, एंटी हो, क्या हो एंटी हो, तो हम क्या कहेंगे एंटी पैरेलल है। यहां भी देखो मैग्नीट्यूड से कोई ज्यादा हमें लेना देना नहीं है, क्या है दोनों का डायरेक्शन बस अलग अलग हो और पैरेलल हो, ठीक है, उसे हम क्या बोलेंगे एंटी पैरेलल बोलेंगे। इनके बीच में जो एंगल होता है, देखो भाई क्या होता है एक दूसरे के क्या है एंटी पैरेलल, यानी ऐसे हैं पूरा पूरा, तो क्या हो दोनों के बीच में एंगल कितना आएगा 180 आएगा, यानी थीटा इज इक्वल टू कितना होगा 180, ये भी याद रखना, कितना होता है 180, क्लियर हुआ। अब देखो अब अगला जो देखते हैं हम लोग पांचवा, कोलिनियर वेक्टर, कोलिनियर वेक्टर देखो नाम से क्लियर हो रहा है कोलिनियर, एक जो एक कहीं लाइन पे दो वेक्टर अगर एक ही लाइन पे है तो हम कहेंगे क्या है एक दूसरे के कोलिनियर हैं, क्या है ये कोलिनियर वेक्टर है। टू वेक्टर्स आर कोलिनियर इफ दे लाई ऑन द सेम लाइन, टू वेक्टर्स आर कोलिनियर इफ दे लाई ऑन द सेम लाइन इज नोन एज कोलिनियर वेक्टर, यानी कि मान लो वेक्टर कोई ए है और इसी लाइन में कोई वेक्टर बी है, तो हम क्या कहेंगे क्या है ये दोनों कोलिनियर, एक ही लाइन में है तो हम क्या कहेंगे ये कोलिनियर है, यानी आप देख सकते हैं क्या है सेम लाइन में है, सेम लाइन में है, तो क्या कहेंगे इसे हम कोलिनियर कहेंगे, क्लियर हुआ। चलो क्लियर हुआ, बहुत बेसिक चीजें हैं यार, इसमें कुछ ज्यादा रटने की जरूरत नहीं, बस समझना है, बस समझना है। हाँ कोप्लेनर, बुक से पढ़ के बहुत बच्चे बोल रहे हैं सर समझ में नहीं आ रहा है, एक बार बता दीजिए हमें। चलो भाई छोटी छोटी चीजें मैं बता देता हूँ। कोप्लेनर, इफ वेक्टर्स लाई ऑन अ सेम प्लेन इज नोन एज कोप्लेनर, कोप्लेनर कोलिनियर था ना एक लाइन पे, ये कहीं लाइन में, और कोप्लेनर मतलब कहीं प्लेन, प्लेन क्या होता है भाई ये जैसे ये बोर्ड हुआ ना आपका यहां से यहां तक का, ये प्लेन हो गया, क्या हो गया एक प्लेन हो गया, क्लियर हुआ। जैसे कि मैं बताऊं ये मेरा हाथ है ना, ये यहां से ये क्या हुआ ये भी एक प्लेन हो गया, क्या हुआ एक प्लेन हो गया, एक बोर्ड भी क्या हो गया ये एक प्लेन हो गया, तो कह रहा है कोप्लेनर वेक्टर, यानी वेक्टर्स लाई ऑन द सेम प्लेन इज नोन एज कोप्लेनर वेक्टर, क्या बोलेंगे जब वेक्टर्स क्या हो सेम प्लेन पे हो। जैसे कि मैं बताऊं जैसे कि चलो चौक है मेरे पास, आप देख पा रहे हैं अगर मैं इसको यहां रखूं और इसको यहां रखूं, आप क्या देख पा रहे हैं कि सेम क्या है ये सेम प्लेन पे लाई कर रहा है, कहां लाई कर रहा है सेम प्लेन पे, यानी कि बोर्ड पे लाई कर रहा है, इसका भी और इसका भी क्या कर रहा है सेम प्लेन पे लाई कर, ऐसे कर दो ऐसे कर दो तो भी लाई कर रहा है, ऐसे कर दो तो भी क्या कर रहा है सेम प्लेन पे लाई कर रहा है, यानी ये कहीं प्लेन पे लाई कर रहा है। जैसे मैं इसको ऐसे कर दूं, आप देख पा रहे क्या हो रहा है ये सेम प्लेन पे लाई कर रहा है, ये कहीं प्लेन पे ये लाई कर रहा है, क्लियर हुआ। यानी ऐसे भी कर दो तो भी, ऐसे भी कर दो तो भी क्या है सेम प्लेन पे ये लाई कर रहा है, क्लियर हुआ। यानी वेक्टर्स क्या हो जो सेम प्लेन पे लाई करते हैं उसे हम क्या बोलेंगे कोप्लेनर वेक्टर बोलेंगे। जैसे कि मान लो एक वेक्टर ये है और ये है, ये है ये भी है, यानी क्या कर रहा है सेम प्लेन पे लाई कर रहे हैं, ये है भी है, यानी क्या कर रहे हैं सेम प्लेन पे लाई कर रहे हैं, तो हम क्या कहेंगे उसे कोप्लेनर, ये कहीं प्लेन पे हो, प्लेन का मतलब जैसे कोई कॉपी ले लिया आपने जो पूरा उसका सरफेस वो भी एक प्लेन हो गया, ठीक है, यानी ये भी बोर्ड हमारा क्या प्लेन हुआ, यानी जितने वेक्टर्स अगर सेम प्लेन पे लाई करते हैं तो हम क्या कहेंगे जो ये हमारे कोप्लेनर वेक्टर है, क्लियर हुआ। चलो कोई बात नहीं, क्लियर हुआ तो अगला देखेंगे हम लोग, ये समझना आप लोग थोड़ा सा
कंकरेंट वेक्टर, क्या होता है मैंने कंकरेंट वेक्टर। हाँ, कोप्लेनर डिफरेंस वाले बहुत जल्दी डिफरेंस है। वेक्टर्स लाई ऑन द सेम पॉइंट, सेम प्लेन नहीं, सेम पॉइंट, वेक्टर्स लाई ऑन द सेम पॉइंट इज नोन एज कंकरेंट वेक्टर। यानी कि मान लो कोई पॉइंट है, यहीं से कई सारे निकल रहे हैं वेक्टर। जैसे कि एक वेक्टर मान लो फोर्स लग रहा है, फोर्स भी क्या होता है, पॉइंट होता है, पॉइंटर होता है। कहीं कहीं पॉइंट से कई फोर्स है, मान लो एक फोर्स यहाँ F1 लग रहा है, एक फोर्स इधर लग रहा है F2, एक फोर्स इधर लग रहा है F3, एक फोर्स इधर लग रहा है, यहाँ से आओ भाई F4। अब क्या देख पा रहे कि कहीं पॉइंट से कई तरह से क्या फोर्स का वेक्टर है, यानी कहीं पॉइंट से कई वेक्टर्स निकल रहे हैं। ठीक है, ये कहीं पॉइंट पे कई वेक्टर्स लाई कर रहे हैं, हम क्या कहेंगे उसे कंकरेंट वेक्टर कहेंगे। उसे हम क्या कहेंगे, कंकरेंट वेक्टर सेलेक्टिंग एट सेम पॉइंट इज नोन एज कंकरेंट वेक्टर। बताऊंगा, आगे भी बताऊंगा इसके बारे में, बहुत सारी चीजें आगे पढ़नी हम लोगों को। मैं थोड़ा सा बेसिक लेवल बता दे रहा हूँ, बेसिक ये बता दे रहा हूँ कि क्या है ये। एक है आपका, हाँ, जीरो वेक्टर। देखो नाम से ही क्लियर हो रहा है, देखो हर चीज नाम से ही क्लियर हुआ, जैसा नाम वैसा काम। आपके नाम से नहीं भाई, आप नाम अपना नाम मुकेश अंबानी रखने तो मुकेश अंबानी जैसा नहीं बन जाएंगे, अगर वैसा काम करेंगे तो बनेंगे। नाम से कुछ नहीं होगा, टेंशन मत लो, इतना खुश मत हो जाओ। यहाँ पे नाम से बता रहा हूँ मैं, ठीक है, कि जीरो वेक्टर, जीरो वेक्टर नाम से ही क्या है, द वेक्टर विच विद जीरो मैग्नीट्यूड। यानी कोई वेक्टर है जिसके पास क्या है, मैग्नीट्यूड ही जीरो है, क्या है, वैल्यू ही उसकी जीरो है, तो क्या बोलेंगे, जीरो वेक्टर बोलेंगे। ठीक है, इन लेकिन जो डायरेक्शन होता है कोई फिक्स नहीं, तो एनी डायरेक्शन, द मैग्नीट्यूड सॉरी द वेक्टर विद विद द वेक्टर विद मैग्नीट्यूड जीरो इन एनी डायरेक्शन इज नोन एज जीरो वेक्टर। यानी वेक्टर क्या, जैसे फोर्स में बताऊं, मान लो जीरो न्यूटन लग रहा है, फोर्स जीरो न्यूटन, तो इनका एक जीरो वेक्टर है। क्लियर हुआ, यानी कि क्या बताया मैंने, द वेक्टर विद मैग्नीट्यूड जीरो इन एनी डायरेक्शन, डायरेक्शन कोई फिक्स नहीं है। अब भाई मैग्नीट्यूड ही जीरो है तो पता नहीं डायरेक्शन कहाँ है कि नहीं है, किधर है कोई पता ही नहीं है कुछ उसका, नहीं डायरेक्शन का छोड़ ही दो आप, तो मैग्नीट्यूड जिसका जीरो हम क्या बोलेंगे, जीरो वेक्टर बोलेंगे। क्लियर हुआ, अब एक चीज और पढ़ लेना आपको लास्ट में, क्या पढ़ लेना है, यूनिट वेक्टर। इसका भी देखो नाम से ही क्लियर हुआ, यूनिट मतलब क्या होता है भाई, सबका मालिक एक। यूनिट मतलब क्या होता है, सबका मालिक एक, कौन है भाई, साईं बाबा है। चलो यूनिट वेक्टर देखो, इसकी वैल्यू क्या हो, वन हो, कोई वेक्टर अगर जिसकी वैल्यू वन है तो हम क्या बोलेंगे, यूनिट वेक्टर। इसकी मैग्नीट्यूड क्या होती है, मैग्नीट्यूड इज ऑलवेज, मैग्नीट्यूड समझ में आया था ना, पहले वीडियो देख लेना मैग्नीट्यूड क्या होता है, मैग्नीट्यूड इज ऑलवेज वन। जिस वेक्टर का मैग्नीट्यूड हमेशा एक रहे हैं, एक हो, उसे हम क्या बोलते हैं, यूनिट वेक्टर बोला। यानी कि जिसकी वैल्यू क्या हो, वैल्यू वन हो। यूनिट वेक्टर का साइन कैसा होता है भाई, जैसे मान लो ए बना दिया हमने, इस पर एक टोपी पहना दो, क्या पहना दो भाई, टोपा पहना दो, टोपी पहना दो, यानी क्या हो, एक कैप बोलते हैं। इसे यूनिट वेक्टर कैसे डिनोट करता है, ए कैप से, बी कैप से, एक्स कैप, वाई कैप, ऐसे करके, यानी क्वांटिटी के ऊपर क्या लगा दो भाई, क्या लगा दो, कैप लगा दो, उसे हम क्या बोलेंगे, यूनिट वेक्टर को। अब जो अगले पार्ट में डिस्कस करेंगे, एंगल बिटवीन वेक्टर, प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, ठीक है, एडिशन ऑफ वेक्टर्स, सारी चीज़ हम लोग थर्ड पार्ट में डिस्कस करेंगे। अगर पहले पार्ट में सेकेंड पार्ट में कोई दिक्कत है तो कमेंट करके बताइएगा, दोनों पार्ट देखिए, फिर तीसरे पार्ट के लिए वेट करिए, कल आपको मिल जाएगा तीसरा पार्ट। चलिए मिलते हैं, अगर चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन दबाइएगा, ये कहना मेरा फर्ज बनता है भाई, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगले कॉन्सेप्ट के साथ, और कमेंट करके बताइए कॉन्सेप्ट आपको कैसा लगा।